फिर मम्मी ने घर में रखी थी और वो नहीं मिल रही। क्यों, क्या फर्क पड़ता है? मिल गई, मिल गई, क्या फर्क पड़ता है? तो दूसरी चाबी है ना। ट्रिमर का मैं कंप्लेंट कर रहा था कि वहाँ गुम गया, ढूंढ रहा था बैग में। फैक्ट इज दैट मैं यहाँ से लेके ही नहीं गया था। कोई नहीं, आज अपना ये जो दाढ़ी बढ़ गई है इतनी ज़्यादा, सेट किया था कि मैं राइड पे कहीं ट्रिम करूँगा अपने बाल, लेकिन बिल्कुल नहीं हो पाया। ऑल्दो आप देखोगे, जो लोग पुराने व्यूअर्स हैं उनको समझ में आएगा मेरी मुस्टाच कितनी अच्छी ग्रो की है, इतनी अच्छी। यूजुअली मेरी दोनों बाजू ग्रो नहीं होती थी, फाइनली यार, फाइनली आई वुड से दैट मेरी बियर्ड बहुत अच्छी ग्रो हो रही है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसको उड़ाने का समय आ गया है। वेलकम बैक टू द चैनल व्यू, आई होप यू गाइस एब्सोल्युटली आफ्टर वंडरफुल स्लीप, माय एनर्जी लेवल इज हियर, बट माय बॉडी फैट परसेंटेज इज ऑल्सो हियर। मेरा वेट ड्रॉप नहीं हुआ, मेरा वेट वही है 92.5-92.3 है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर जो है वो फैट पुट ऑन हुआ है वो तो, बट ऑब्वियस है अपन 13 दिन बाइक पे थे तो होना ही है। 13 दिन बाइक पे नहीं थे, बट 13 दिन ट्रैवल कर रहे थे तो अगड़म अगड़म खाया। शैनज इज वेटिंग फॉर अ फूड विच शी इज ऑर्डर्ड। बोलती है बहुत भूख लगी है और उसने ऑर्डर किया कब से? 10 मिनट पहले, 30 मिनट बता रहा था, अभी 27 मिनट। बिकॉज तूने इतना दूर से ऑर्डर किया। व्हाट टू डू, I searched, it showed me. Anyways, I'm gonna remove my beard. Shanice, should I remove my beard? It's a good idea. I'm sick and tired of it. Bura right, hai na? अगर लास्ट ईयर मुझे बोलते, लास्ट ईयर नहीं, 2019 में बोलो, लास्ट ईयर बोलने लगा, मैं बियर्ड कभी नहीं निकालता, लेकिन अभी आई थिंक निकालना हो गया, बिकॉज आई लुक लिटिल बिट ओल्डर विद दिस। ये दर्द चाहता हूँ मैं, आप भी झेलो मेरे साथ साथ। पहले मैं देखता उसको शेप करता हूँ कैसा लगता है। आधा बियर्ड पूरा निकाल दो, आधा रखूँ? कर ले, मस्त लगेगा ना। तो कौन सा निकालो, लेफ्ट का निकालो, राइट का निकालो, जो भी निकालना निकाल ले। आफ्टर बार शावा शावा, कीप द सेंटर ना। हाय व्हाट मैन, क्रिसमस मैन, यार यू लाइक टू हैव वाइन मैन, व्हेन यू वाटर मैन, आई लुक 40-45 है ना, आई लुक सो ओल्ड यार, लाइक दिस, डैम। वेट, आई विल टर्न इनटू 20s नाउ। जानी का होगा रमरी। क्या है, तू बोलती है कि मुझ रखूं मैं? अब तक तो रखने नहीं वाला है, तो नाटक कर भी मत कैमरा के सामने। हाँ। चुपचाप से सब कुछ निकाल, जस्ट द मस्टैच आई वांट टू सी। अनिस ने बोला तो मैंने वही कर रहा हूँ। नमस्कार बच्चों, आप आए हैं मुंबई के निखिल के चैनल पर। मुझे हो तो रतलाल जैसी वरना ना हो। आई कांट कंट्रोल माय लव। हेलो बेटा, कैसे हो? कैमरे के साथ खेल रहे हो? बट कितनी अच्छी मूंछ है यार। मैं व्हाई आई एम नॉट लुकिंग लाइक माय फादर? माय गॉड निखिल, आई फील लाइक अ मैरिड अंकल। बेटा 50 साल का डिफरेंस है तुम्हारे मेरे बीच में। पापा डोंट वरी बेटा, सब ठीक हो जाएगा, तुम्हारी एंजाइटी विजाइटी सब ठीक कर देंगे हम। प्लीज रिमूव द मुच्छी। ओके टाइम। कितने सारे बाल, बाप रे बाप। और नीचे जो गिरे वो, और नीचे भी गिरे, थोड़ा शूट करते करते मम्मी ने पूरा साफ किया तो ने गंदा कर दिया। आई एम बैक टू माय ओरिजिनल एज। ओके सो आई एम डन। हाउ आर यू लुकिंग शैनिस नाउ, बेटर देन द मस्टैश वन और नो? यू लुक लाइक अ मेंटल। व्हाई? मुझे नहीं पता, जब भी लड़के लोग ऐसा क्लीन शेव करते हैं लुक लाइक नहीं, बट हाउ आई एम लुकिंग नाउ, बेटर देन द मस्टैश, बेटर देन द बियर्ड, व्हाट? अ लिटिल बिट स्टबल, लिटिल बिट स्टबल, लिटिल बिट स्टबल। बियर्ड निकालने के बाद समझता है कितना यहां पर फैट आया। अभी अच्छी खासी ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, लेकिन अभी 2 दिन कुछ नहीं होगा, बिकॉज बॉडी अभी फटी है। 2 दिन बाद अच्छे से हम वर्कआउट शुरू करेंगे, वापस ट्रैक पे आएंगे, इसका पूर्ण तरीके से इस्तेमाल करेंगे, राइट? ब्रेकफास्ट जिस गया, मैं जब ऑर्डर करता था तो इतना अच्छा खाना ऑर्डर नहीं करता था। थैंक यू सो मच शैनिस, वेलकम। खाना देख के भूख नहीं लगी यार। वाओ, गुड चॉइस, ऑफ कोर्स, एक्सेप्ट फॉर यू। सी आई मेड अ स्मार्ट चॉइस बाय चूजिंग यू। देख, जैसा कि यू आर अ प्रोडक्ट आई कांट रिटर्न आफ्टर बाइंग, सो सॉरी। So what did I do in my sleep? Please show. बोलना please. शैनिस बोलती है कल जब हम लोग सोए तो मैंने कुछ तो पता क्या किया। तो सुबह 6 बजे ऐसे करने लगा। सासक निकल, क्या हुआ, क्या सच में सुबह 6 बजे किया मैंने? सासक निकल, क्या हुआ? You got up, you went there. Where am I? I don't Nikhil, you're at home. You come back from the trip. You like okay? मुझे थोड़ा बहुत याद है, मेरे को चक्कर आने लगा था।
गुड अच्छा बिकॉज़ अगर ये 3 बजे होते तो इन द नेम ऑफ द फादर एंड लॉर्ड फादर फादर एंड लॉर्ड जो आई विल टेक द पिलो आउट प्लीज सेट आउट कम आउट अभी मैं जाता था भाई अरे यू नो आज का कमेंट क्या दैट वी आर किड्स वी आर ग्रोन अप किड्स हु आर नॉट मैरिड टू ईच अदर वी डोंट नीड किड्स दैट वी आर इडियट्स I'm the kid only. I don't know about you. As much as I'm missing the cold and snow, I'm glad that I'm back in Mumbai where I can wear t-shirt and I can roam outside comfortably. Even though there is a little bit of heat, it's okay. But मेरा स्कूटर चालू क्यों नहीं हो रहा? ये बहुत दिन बाद चालू कर रहे हैं ना? चोक भी खींचा हुआ है नहीं चालू नहीं हो रही. सेल्फी चालू नहीं हो रही है तो सेंटर स्टैंड पे जाके. Come on. Always works. So like iPhone जब hang होता है तो restart करने का ठीक हो जाता है. मुझे थोड़ा weird लग रहा था स्कूटर चलाने के लिए मतलब ऐसा क्यों लग रहा है तब मैंने देखा कि आगे का टायर ही पूरा पंचर है. हम लोग पंचर टायर में डबल सीट होके आए मैंने बोला ऐसा तो नहीं BMW चलाने के बाद थोड़ा मुझे weird लग रहा हूँ. ऑफकोर्स ऐसा होता नहीं है और BMW से याद आया हमारी वेजिटा का हाल देखो. बाप रे बाप एकदम गंदी हो गई है. इसको धोना भी है अभी इसको विंडशील्ड नीचे कर देता हूँ. हाँ टूट गई. अरे वाह बता क्या करती है तू उतरी और टूट गया. इसका एयर फिल्टर क्लीन करना पड़ेगा और थ्रॉटल बॉडी बिकॉज बीच में थोड़ी स्टॉल हुई थी बाइक. वो तभी होता है जब थ्रॉटल बॉडी में बहुत ज्यादा कचरा होगा. इतने डस्ट से आए हम लोग तो एयर फिल्टर में तो इतना ज्यादा कचरा निकलेगा. एयर स्मेल ऑफ पेंट तो घर में भी. अरे वो घर भी दिखाना है. अभी नहीं दिखाना है ना. थोड़ा बहुत एक दो कोना देखना है. एक दो कोना इतना तो बनता है यार. एक दो कोना दिखाने में क्या है यार. जस्ट लिटिल मोर डेज. देख हमारे बंदे ने लेट किया बट हमको लेट. लिटिल मोर डेज. अच्छा किचन का पार्ट दिखा दो. तो बहुत झगड़ा किया उससे. उसने क्या करा बेचारा. एक तो एयरपोर्ट से सीधा आया अपना सामान वामान लेके और फिर यहाँ से उसको एयरपोर्ट जाने का था. कल सो रहा है घोड़े बेच के क्योंकि वो तो कल रात में लेट आया 4 बजे सोया. अब तो अभी बज रहा है करीबन 12:30 और अभी तक नहीं उठा. अब मुझे लगता नहीं 4 बजे से पहले उठेगा और मेरी फ्लाइट है. घी डिलीवर कर देखो. घी देखो जो तो नहीं रही थी पर बेचारा इतनी दूर से लेके आया तो मजबूरी है लेनी तो पड़ेगी. हाँ तो मम्मी कैसा लग रहा है आपको. अरे लग तो बहुत अच्छा रहा है. हाँ. लेकिन तेरे से गुस्सा तो थी मैं फिर भी मैंने रख लिया क्योंकि मैं बच्चों से कब तक गुस्सा रह सकती हूँ. सही बात है. तो ये घी आप कब तक इस्तेमाल कर लोगे. घी अभी कल से यही इस्तेमाल होगा. घी घी तो हम भर भर के खाते हैं. फिर ये आधा किलो घी मेरा 4 दिन या 5 दिन चलता है. अच्छा फिर बस और फिर अगला 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 जो अगली बार जब 1 महीने के बाद आएगा ना फिर तो एक और बार. ना अभी नहीं बोल. 10-10 अब मेरे को बेचारे पे तरस भी आ गया. ये सब मम्मी इल्लो की वजह से हुआ. इल्लो ने जो उसको प्रेशराइज किया घी देने के लिए लोगों ने. अरे लोगों की क्या गलती है. लोगों को हमने बताया करके लोगों ने पूछा उनके विचारों की क्या. अच्छा ये बताओ कितना किलो घी दिया. 5 किलो. अच्छा इसके लिए इसको 6 मिस कॉल थे. 6 मिस कॉल में डर गया. मेरे फोन किया तो लगा नहीं. बाद में उसको मैसेज आया भाई फ्लाइट पे था उठा नहीं पाया. मम्मी को घी दे दिया. बोला अच्छा 5 किलो. बात कितने की हुई थी मम्मी. 10 किलो की. मेरी मम्मी बहुत स्ट्रिक्ट है. इफ आई एम स्ट्रिक्ट माई मदर इज डबल व्हाट आई एम. बदनाम नहीं कर रहा हूँ मम्मी. चिट होना डिसिप्लिन अच्छी बात है. तो 2.5 घंटा चिट चिट चैट के बाद अभी हम लोग फाइनली घर पे जा रहे हैं. तो हमारी गाड़ी में मैं और शैनिस जा रहे हैं और शैनिस की गाड़ी मम्मी पापा लोग जा रहे हैं. मम्मी पापा लोग. मैं खुद इतना एक्साइटेड हूँ घर देखने के लिए और एक्साइटेड हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए. अनफॉर्चुनेटली मेरे जो टॉप मिनिस्ट्री है मेरी वाइफ और मम्मी से ऑर्डर आया नहीं दिखाने का. स्पेशली मम्मी से. एटलीस्ट सेफ्टी डोर तो दिखा सकता हूँ थोड़ा बहुत तो अंदर ऐसा करके दिखा सकता हूँ कुछ तो दिखा हुआ. बोला तो मम्मी से पूछ मुझसे मत पूछ. तो अभी परमिशन मिली है दरवाजा पता नहीं की तो दरवाजा पता के अंदर घुस जाऊंगा मैं है ना. अजीब लग रहा होगा ना. हाँ बहुत अजीब लग रहा है. तो मम्मी वहाँ -5 या 35 में से आई हो ना. हाँ बहुत. नहीं बड़ा कंफर्टेबल लग रहा है मम्मी. वो ठंडी में जो फट गई थी ना हमारी. ओ ये दरवाजा. अरे मम्मी यार मेहनत से घर बनाया थोड़ा बहुत तो वो करूंगा. नहीं खुला पोपट हो गया. क्या पोपट हो गया. अभी ये प्रॉपरली ये निकलेगा प्लास्टिक के दिख रहा है. ये अभी बंद है. लोग बोलेंगे इतना खराब क्यों लग रहा है. ये निकलेगा अच्छे से पॉलिश होएगी ये चमकेगा. वाह नाइस.
हैंडल लग गया ना होगा। एक नंबर। एक चीज है कि फ्रिज लग गया है, मुझे फ्रिज के अंदर ब्लॉक करने की अनुमति मिली है, तो इतना अच्छा लग रहा है। फ्रिज बन गया अभी यार, लग गया मतलब बन गया था, तो किचन देख रहे क्या लग रहा है यार। माय गॉड सो गुड, जो पहले था उसकी कम वो दैट वाज नथिंग फ्रंट ऑफ दिस। बहुत अच्छा। इसकी नीचे देखा मम्मी, एक्चुअली मेरी ऑडी की चाबी गुम गई है। मैं जब घर पे आया तो मम्मी सब चाबी मुझे दे देती है, सब मैं पाउच में रख देता हूँ, लेकिन ऑडी की चाबी जो है मम्मी ने नहीं दी और मम्मी का मूड खराब है मेरा, मुझे तो फर्क नहीं पड़ता, दो चाबी रहती है। मम्मी को छोड़ो ना, मम्मी घर में ही गिरी है फॉर श्योर, फिर मम्मी ने घर में रखी थी और वो नहीं मिल रही। क्यों, क्या फर्क पड़ता है, मिल गई मिल गई, क्या फर्क पड़ता है। तो दूसरी चाबी है ना, दूसरी चाबी है, वी हैव टू कीज, मैं और एक की ले लूंगा ऑडी की। मम्मी तो खाना भी नहीं खा रही, टेंशन में आ गई, क्या फर्क पड़ता है, चाबी तो है मम्मी। अरे कोई किसी को मिल गई और कोई गाड़ी ले गया, क्या करे गाड़ी लेके जाके, क्या करेगा गाड़ी लेके जाके। लेकिन मैं क्या बोलती हूँ, चीज खोया ही क्यों। कैन यू बिलीव द फैक्ट दैट मेरी मम्मी रात भर नहीं सोई और ऑडी की चाबी ढूंढ रही थी, एंड फाइनली सुबह जाके मम्मी को, मम्मी ने सारे पर्स बेड पे रख दिए और सबको उलट पलट कर दिया, तो उसमें से एक में ऑडी की चाबी मिल गई। मेरे मम्मी को लगा टेंशन की क्या कौन सी बात है, मतलब आई नो टेंशन आता है बट इसमें ज़्यादा टेंशन लेकर कोई क्या कर सकता है, चीज़ घूम गई। एनीवेज गाइस, आज के लिए बस इतना रखते हैं। इफ यू एंजॉयड दिस ब्लॉग फॉर व्हाटएवर रीजन, डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, नए हो सब्सक्राइब करो। विद दैट सेड, एज ऑलवेज, शुक्रिया, अलविदा, मा सलामा, टेक केयर एंड डू गुड। ये देखो पिंपल आ गया यार, अरे यही होता है चुम करने के बाद। चलो अडियोस अमिगोस, मिलते हैं अगले मशाबा के।